हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं और ये इस एक्सरसाइज का आज आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फिगर बनी हुई नहीं थी, मैंने फिगर बना दी है, पर फिर भी मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ रीड करते करते बताऊंगी कि फिगर कैसे बनाई है। हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, प्लीज लिसन केयरफुली। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल हो। हमने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी और इसकी दो साइड्स इक्वल मार्क कर दी गई हैं। मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया, ये दो साइड्स इक्वल हैं। और उन्होंने हमें बता भी रखा था कि ए बी और ए सी साइड भी आपको इक्वल लेनी है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी। ए से एक परपेंडिकुलर डालना है ए पी बी सी के ऊपर। परपेंडिकुलर का काम होता है कि वो जिस भी साइड पर डाला जाता है वहां पर राइट एंगल बनाता है। तो मैंने दो राइट एंगल भी मार्क कर दिए हैं और फिगर हमारी कंप्लीट हो गई है। प्रूफ क्या करना है? टू शो दैट एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हैं। तो वो मैंने टू प्रूव में लिख भी दिया और गिवन का सारा जो डेटा है वो यहाँ पे डाल भी दिया है। वैसे तो आप जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम सीधा सीधा भी ये थ्योरम लगाकर लिख सकते हैं कि ए बी और ए सी इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। बट क्योंकि ये चैप्टर कॉन्ग्रेंसी पर बेस्ड है इसलिए हम कॉन्ग्रेंट करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बट मैं इस क्वेश्चन को कॉन्ग्रेंसी से सॉल्व कर आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये चैप्टर कॉन्ग्रेंसी पर बेस्ड है। हम ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करेंगे। इन ट्राइंगल पहले हम दोनों ट्राइंगल के नाम लिखेंगे। ये इस चैप्टर का आज आखिरी क्वेश्चन भी है और इस एक्सरसाइज का भी आज आखिरी क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए सी पी, हमने ये दो ट्राइंगल ले लिए हैं। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए एग्जैक्टली तीन इक्वल पेयर्स चाहिए होते हैं। तो हमारा पहला पेयर तो रहेगा, हम इन एंगल्स को नाम दे लेते हैं 1 और 2 जो राइट एंगल बना रहे हैं। हमने दे दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन में साइड्स इक्वल दी हुई है ए बी और ए सी, वो भी ले लिया हमने। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, दो पेयर्स हो गए। ए पी ए पी दोनों में कॉमन है, आप देख रहे हैं। जब ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो भी ए पी साइड आएगी, जब ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो भी ए पी साइड आएगी। ए पी ए पी कॉमन, तो हमारे तीन पेयर्स हो गए, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से हुए ये लिखना जरूरी होता है। देखिए, पहले आपने लिया था राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज और उसके बाद आपने एक साइड यानी कि बन गया आर एच एस। तो आर एच एस कॉन्ग्रेंसी यहाँ पर लग रही है, तो हमने यहाँ लिख दिया बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल और ये हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं और हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए बी एंगल बी। ए बी भी ट्राइंगल के अंदर एंगल बी आ रहा है और ए सी भी ट्राइंगल के अंदर एंगल सी आ रहा है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये हमें सी बी सी डी से मिल गया, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, हेंस प्रूव्ड। तो आप चाहते तो इस क्वेश्चन को बिना कॉन्ग्रेंसी के भी कर सकते थे। मैंने आपको बता दिया, आप सीधा लिखिए एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी। मैं यहाँ लिख के भी दिखा देती हूँ दूसरा ऑप्शन क्या है। आप सीधा लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन दे देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो
क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, तो ये बहुत शॉर्टकट हो गया और इसमें कॉन्ग्रेंसी भी नहीं लगी। तो ये मैंने आपको दोनों मेथड बता दी हैं कि अगर कॉन्ग्रेंसी से सॉल्व करने को कहा जाए तो ऐसे करेंगे, और विदाउट कॉन्ग्रेंसी कहा जाए तो सीधा ऐसे आंसर आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा कॉन्ग्रेंसी वाला ये चैप्टर, यानी कि ट्राइंगल्स जो ये चैप्टर था, वो फिनिश हो गया। ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई, चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।